कांग्रेस ग्रीन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुधांशु जी की अध्यक्षता में आयोजित प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय ग्रीन महागठबंधन की घोषणा करते हुए वार्ता के संचालक और पीपुल्स ग्रीन पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भंवरलाल नायक ने बताया कि यह महागठबंधन देश में हो रही लोकतंत्र की अवहेलना, देश की जनता के द्वारा झेली जा रही राजनीतिक अव्यवस्था को दूर करने के लिए और आम नागरिक की व्यक्तिगत आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए गठित किया गया है। राष्ट्रीय ग्रीन महागठबंधन सुखद बदलाव लाने की मुहिम राजस्थान से आरंभ करने जा रहा है। महागठबंधन पीपुल्स ग्रीन पार्टी के एक ही चुनाव चिन्ह पर अपने प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारेंगे। राष्ट्रीय ग्रीन महागठबंधन के अध्यक्ष पीपुल्स ग्रीन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुधांशु जी होंगे, जबकि महागठबंधन के राष्ट्रीय संयोजक जनता कल्याण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा जसमेर जी महाराज होंगे। महागठबंधन के राष्ट्रीय समन्वयक श्री रामजस लोधोलीपाल रहेंगे। ग्रीन महागठबंधन में निम्न राजनीतिक व सामाजिक गठबंधन सदस्य होंगे। यह संख्या भविष्य में बढ़ सकती है। जनता कल्याण मोर्चा, भारत रक्षक पार्टी, राष्ट्रीय पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक क्रांति दल, दलित क्रांति दल, एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ वर्ल्ड, सर्वधर्म संगठन, ऑल इंडिया इस्लाम अंजुमन सिद्दीकी, जायायत उलेमा हिंद राजस्थान, AIMIM और समाजवादी पार्टी, सभी पार्टियों और सामाजिक संगठनों के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और एक एक महासचिव महागठबंधन के कार्यकारी सदस्य रहेंगे। एक नए अलायंस के साथ में, उसकी घोषणा के साथ में आपके सामने उपस्थित हुए राजस्थान में आगामी चुनाव के दृष्टिगत हमने नेशनल ग्रीन अलायंस करके एक राष्ट्रव्यापी अलायंस क्रिएट किया है। पीपल्स ग्रीन पार्टी जो कि राजस्थान की एक जानी मानी पार्टी है, हमारे साथ में इस अलायंस के अंदर जनता कल्याण मोर्चा जो कि एक राष्ट्रीय लेवल पर पार्टी हरियाणा से काम कर रही है, बाबा जसमेर जी हमारे साथ बिराजे हुए हैं। इसके अलावा अनेक अन्य पार्टियों के सदस्य मित्र हमारे, भारत रक्षक दल, दलित क्रांति दल और अनेक अन्य दलों के लोग हमारे साथ हैं। ये नेशनल ग्रीन अलायंस राजस्थान की सभी 200 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहा है। नेशनल ग्रीन अलायंस राजस्थान में UPA और NDA को चैलेंज करने जा रहा है। नेशनल ग्रीन अलायंस किसी जाति और धर्म से दूर रह करके जनता के मुद्दों को, जनता के दुख दर्द को समझते हुए एक प्रॉपर कंप्लीट ब्लूप्रिंट लेकर के चुनाव के मैदान में उतर रहे हैं। आप देख रहे हैं भाजपा, जिसके बारे में चर्चा चल रही है आमतौर पर कि आने वाले चुनाव में भाजपा चुनाव जीत सकती है, मोदी जी की पार्टी है या हिंदू राष्ट्र लाने वालों की पार्टी है या कोई UCC का नया इन्होंने शफूगा फेंका है। राजस्थान में भाजपा की सरकार कई मरतबा आ चुकी है। इससे पहले भी वसुंधरा राजे जी की सरकार रही है, उससे पहले भी रही है। राजस्थान की जनता ने हर बार उनको धोखा खा करके चुना और बाद में नकारा है और उनके नकारने का एक इतिहास बन चुका है। सेम कहानी कांग्रेस पार्टी की रही है। कांग्रेस पार्टी राजस्थान में धोखा देकर के बार बार चुनाव मैदान में आती है, पहले चेहरा हटाती है कि हमारा कोई चेहरा नहीं है। अभी आपने परसों ही सुना है कि बिना चेहरे के लड़ेंगे, यही बात 98 में बोली थी, यही बात 2008 में बोली थी और यही बात 2018 में बोली थी। लेकिन चेहरा आपको पता है कि कौन सा चेहरा आता है? सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का जो घर चलाता है वो चेहरा हमेशा जनता के सामने उतार दिया जाता है। शहर भर में, राजस्थान भर में जितने रुपए की राहत नहीं दी गई है उससे ज्यादा रुपए के होर्डिंग बैनर लगे हुए। अभी थोड़े दिन पहले गहलोत जी ने ऐलान किया कि हम लोग सबसे बड़ी राहत दे रहे हैं। आप देखिएगा एक होर्डिंग की रेट, एक आम होर्डिंग की रेट आप जानते हैं 1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया होती है। मैं अभी 15 दिन पहले जमुआ रामगढ़ गया, जमुआ रामगढ़ में तहसील मुख्यालय से लेके 1 किलोमीटर में 8 जगहों पे होर्डिंग लगे हुए थे। कम से कम 15 लाख रुपए के होर्डिंग एक तहसील हेडक्वार्टर पे लगे हुए राजस्थान के 350 तहसीलों में। गहलोत जी ने 450 करोड़ रुपए महीने का ठेका दिया हुआ है। और जब राहत की बात आई, जोधपुर से उन्होंने बटन दबाया कि सीधे लाभार्थी के खाते में पैसा भेज रहा हूँ। 60 लाख रुपया 14 लाख लोगों को बांटा, यानी कि 500 रुपया एक आदमी को दिया। 500 रुपया बांट करके कह रहे कि हमने लाभार्थी को लाभ पहुंचा दिया। 3 लाख करोड़ रुपए का इनका बजट है, 3 लाख करोड़ रुपए के बजट जो कि हमारे द्वारा दिए गए टैक्स से बनता है। ये बजट कोई हमारे लिए गिफ्ट नहीं है,
ये राजस्थान की जनता के खून पसीने की जो मेहनत है, जो हमारा 12-14 लाख करोड़ रुपए का जीडीपी है, उस जीडीपी से ये टैक्स क्रिएट होता है। ये 3 लाख करोड़ रुपए का जो टैक्स है, 5 वर्षों में अशोक गहलोत जी ने राजस्थान की जनता से 15 लाख करोड़ रुपए एकत्र किया, और 15 लाख करोड़ रुपया एकत्र करने के बदले में आज 500 रुपए बांट करके आज 14 लाख लोगों को 500 रुपए बांट के बेवकूफ बना रहे कि हमने राहत दे दी है। पीपल्स ग्रीन पार्टी एक एक विधायक के घर जाएगी, एनजीए नेशनल ग्रीन अलायंस एक एक विधायक के घर जाके हिसाब मांगेगा। एक विधानसभा में 5 बरस में 6,000 करोड़ रुपए का विकास होना चाहिए था बजट के हिसाब से, एक विधानसभा में 500 करोड़ रुपए खर्च नहीं हुआ। हमारे कार्यकर्ता, हमारे दोस्त जाएंगे, पूछेंगे हिसाब, और हिसाब नहीं देने की स्थिति में जनता के बीच जाकर के हम जनता से बात करेंगे। इन लोगों का हिसाब कर दीजिएगा, ये लोगों ने जनता के पैसे के टैक्स से अपने घरों को भरा है, अपने झोंपड़ों को महलों में बदला है, गरीब को गरीब बना दिया, बुरी हालत में कर दिया है। राजस्थान में आने वाले समय में एनजीए एक बड़े रोल के तौर पर आने वाला है, आप वक्त के साथ देखिए। हम बहुत ताकत के साथ अपना काम करेंगे। ये बताइए, यूजीसी के मामले में और ये जो फ्री बिजली दी जा रही है, पानी दी जा रही है, इस पर आपकी पार्टी क्या नीति है? ये कह रहे हैं एक साथ 3 सवाल डाल दिए इन्होंने। देखिए, यूसीसी इन्होंने बोला है, यूसीसी का मामला बहुत क्लियर है। नेहरू जी ने 1956 में हिंदू बिल लेकर के आए थे, ये काम कांग्रेस को 1952 में कर देना था। भारत आज़ाद हुआ, भारत में समान नागरिक संहिता होनी चाहिए थी, इसको लेकर के कोई डिफरेंस नहीं है पूरे भारत में। पॉइंट ये है कि भाजपा चुनाव को देख करके चीज़ें निकालती है, चुनाव देख जैसे चुनाव आते हैं एक नया कागज लेकर के आती है कि अब की बार ये कर देंगे, इस बार इसके लिए वोट दो, विकास भूल जाओ, रोजगार भूल जाओ, इसके लिए वोट दो। हमारा पॉइंट ये है कि यूसीसी में हमारा एनजीए इस मुद्दे पर पूरे देश की भावनाओं के साथ है, हमारी भी वही भावना है, लेकिन तरीका और समय गलत चुना गया है। आप ला सकते थे 9 सालों में कभी भी, आपकी सरकार है, लेकिन आप धोखा दे रहे हो, चुनाव के टाइम पे लेकर आ रहे हो। आपका दूसरा सवाल था फ्री बिजली को लेकर के, आपको मैं एक बार बता देना चाहता हूँ, पीपल्स ग्रीन पार्टी का ब्लू प्रिंट ये कह रहा है कि हम आपको बिजली 5 रुपये यूनिट के अंदर देंगे, हम आपको फ्री बिजली की बात नहीं कर रहे। ये क्या कर रहे हैं, ये आपको बिजली 9 रुपया, 10 रुपया, 11 रुपया, 12 रुपया और 15 रुपये में दे रहे हैं। आप अपना बिल निकालिए अपने घर जा करके, कह रहे हैं कि 100 यूनिट फ्री, लेकिन 101वीं यूनिट पे रेट लेंगे 8 रुपया, 9 रुपया। आप ये देखिएगा कि पोखरण के अंदर सोलर एनर्जी से जो बिजली बन रही है, सरकार उस बिजली की खरीद के रेट 2.25 रुपये यूनिट लगा रही है। आप 2.25 रुपये में जब बिजली खरीद रहे हो प्राइवेट सेक्टर से, उसी बिजली को आप गरीब लोगों को 8 रुपये में बेच रहे हो और कह रहे हो कि शुरू की 100 फ्री में देंगे। ये एक तरीके का गेम है, ये एक तरीके का मिथक है। आप देखिएगा, भले वो आम आदमी पार्टी ने शुरू किया था कि बिजली की रेट 10 रुपये ले लो, लेकिन शुरू में 100 को फ्री कर दो, जनता बेवकूफ़ बन जाएगी, पागल बन जाएगी। हम दूध का दूध पानी का पानी वाली पॉलिसी लेकर के आएंगे। आपका तीसरा पॉइंट क्या था? एक नया पॉइंट जोड़ देता हूँ इसमें कि क्या बहुत से दल ऐसे हैं जो एनडीए यूपीए में नहीं है, उनसे आप समझौता करेंगे आम आदमी? देखिए, अभी इन्होंने पूछा एनडीए और यूपीए के साथ जो ना हो, तो निश्चित तौर पर जो आदमी जातियों को छोड़ करके, धर्मों को छोड़ करके हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसको स्वीकार करते हुए हम लोग रोजगार और एंटरप्रेन्योरशिप पे काम करना चाहते हैं, उस पर कोई भी दल अगर हमारे साथ आना चाहता है, तो हमारे लिए भारत का कोई भी नागरिक दुश्मन नहीं है, भारत का हर नागरिक हमारा मित्र है। जो साथी हमारे कॉमन मिशन में आकर के काम करेगा, उसका हमारे मिशन में स्वागत है। देखिए, 200 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, नेशनल ग्रीन अलायंस 200 सीटों पे चुनाव लड़ेगा। अभी अनेक अन्य मित्रों से बातचीत करने वाले हैं। हमारा जो मिशन है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, हम पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं। कोई भी अलायंस में 5 दल होंगे या 10 दल होंगे, हम स्थानीय कार्यकर्ताओं को एकत्र करेंगे। मैं आपको एग्जांपल कोई दे दूँ, जैसे भादरा, नोहर, सिविल लाइंस, हमारे पास हर जगह पे 250-300 कार्यकर्ता, 400 कार्यकर्ता भी हैं, उनकी सभा होगी और किसी भी दल का, हमारे समूह के किसी भी दल का जो भी चेहरा है वहाँ पर, उनको सामने लाएंगे और 250-300 लोगों के सामने वो अपना प्लान देगा, एक्शन प्लान देगा, और जो कार्यकर्ता तय करेगा उसको हम टिकट देंगे। देखिए, अभी जनता कल्याण मोर्चा, पीपल्स ग्रीन पार्टी, दलित क्रांति दल का तो विलय हो गया हमारे साथ,
भारत रक्षक दल और कुछ और पार्टियां भी हैं जो कि अभी चूंकि उनके प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित थे, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ। मैंने आपसे ये कहा है राष्ट्रीय लेवल पर भी पार्टियां हमारे साथ में है, उनसे हमें हिंट मिला है और उनसे हिंट मिलने के बाद ही हम यहाँ पर आए हैं आपके सामने। IIM भी नहीं, उन्होंने कहा है लेकिन विचार।